व्हाट इज अप गाइस। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? दोस्तों मेरे पास आ चुका है नया स्मार्टफोन पोको X3 Pro। इसे मैं लगभग डेढ़ दिन से यूज कर रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूं। हम इसके मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इन हैंड फील रिव्यू वगैरह की बात करेंगे कि ये स्मार्टफोन एक्चुअल के अंदर हमें कैसे परफॉर्मेंस दे पाता है, हमारे लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों कंप्लीट जानकारी इसी पोको X3 Pro के बारे में, उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि और कमाल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों इसे मैं लगभग एक से डेढ़ दिन से यूज कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये स्मार्टफोन थोड़ा हाथ के अंदर ना बड़ा लगता है, थोड़ा मोटा भी है, बड़ा भी है और भारी भी है। यानी कि अगर आपके हाथ छोटे हैं ना, तो फिर ये फोन आपके हाथ के अंदर इजीली फिट नहीं होगा। मेरे हाथ काफी बड़े हैं, मैं कहूंगा एवरेज है, जहां पर ये स्मार्टफोन दोस्तों काफी मुश्किल से ही मतलब फिट हो रहा है। देखिए आप, मेरे जो अंगुलियां हैं और जो मेरा थंब है ना, बड़ी मुश्किल से ही टच यहाँ पे हो पाता है। तो हाँ, फोन काफी मोटा है, भारी है और बड़ा है। अगर आपसे मैं बात करता हूँ इसके बैक की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लास्टिक मिलता है, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का मिलता है और इसका वेट है दोस्तों अराउंड 215 ग्राम्स का। इन शॉर्ट मैं बात करूंगा कि फोन बड़ा है, भारी और मोटा है, छोटे हाथों के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी इन हैंड फील अच्छी नहीं दे पाएगा। अगर हम क्विकली पोर्ट्स एंड बटन की बात करें, तो नीचे की साइड में आपको एक अच्छी बात है कि आपको हेडफोन जैक मिलता है 3.5 mm जैक, एक आपको दोस्तों सी पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल और एक माइक मिलता है। ऊपर की साइड में दोस्तों एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको तीन पोर्ट्स मिलते हैं, जहाँ पर एक नॉइस कैंसिलेशन है, आयर प्लास्टर है और एक स्पीकर है, यानी कि आपको स्टीरियो स्पीकर, ड्यूअल स्पीकर का मजा यहाँ पे ले पाएंगे। राइट साइड में दोस्तों वॉल्यूम रॉकर है और वही लॉक अनलॉक का बटन, जहां पर फिंगरप्रिंट भी यहां पर माउंट किया गया है। लेफ्ट साइड दोस्तों पूरी नीट एंड क्लीन है, एक्सेप्ट ये सिम ट्रे। यहां पर मुझे कमी लगी कि यहां पर जो है ना फिंगरप्रिंट है ना, वो साइड माउंटेड है, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पर आपको डिस्प्ले के कारण है ना, यहां पर साइड माउंटेड है डिस्प्ले, यहां पर एमुलेट नहीं है। मैं फोन को दोस्तों स्टार्ट कर लेता हूं क्विकली। तब तक दोस्तों अगर आपको मेरी हैशटैग एंड्रॉइड गुरुजी स्टाइल में मेरी अनबॉक्सिंग, मेरे रिव्यू अच्छे लगते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में, इस स्मार्टफोन के बारे में कि आपको एक्चुअल के अंदर कैसा लगा। दोस्तों फोन स्टार्ट हो चुका है, व्हाट इज अ डिस्प्ले। दोस्तों डिस्प्ले काफी ब्राइट है, काफी बड़ी है। यहां पर आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS की डिस्प्ले। यहां पर जो रिफ्रेश रेट है ना, वो आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की, जो कि आपको जो टच एंड स्वाइप है ना, उससे काफी अच्छे से आप यहां पर एंजॉय कर पाएंगे। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है। गोरिल्ला ग्लास 6 की यहां पे प्रोटेक्शन है, यानी कि फोन आपका दोस्तों गलती से गिर भी जाए ना, तो एक बार के लिए दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, जो कि हाँ एक काफी अच्छी बात है। यहां पर दोस्तों कमी मुझे ये लगी कि यहां पर आपको IPS की डिस्प्ले मिलती है, AMOLED सुपर AMOLED नहीं मिलती है, जबकि मार्केट के अंदर इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको AMOLED सुपर AMOLED यहां पर अवेलेबल है। अगर यहां पर AMOLED होता, सुपर AMOLED होता, तो आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, वो भी साइड माउंटेड की जगह आपको इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता, जो कि आपके फोन के लुकिंग को, मतलब यूज करने के तरीके को ना और ज्यादा एनहेंस यहां पे कर देता। कहने को तो कंपनी ने इसे एक अपग्रेड के रूप में यहां पे यूज किया है, जहां पर अपग्रेड आता है ये F1 का, लेकिन इसकी जो लुकिंग है दोस्तों बिल्कुल पोको X3 की तरह है। X3 और X3 Pro बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहां पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 860 का प्रोसेसर दोस्तों, जहां पर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 6128 और 8128 के, LPDDR4 एक्स्ट्रा रैम और UFS 3.1 के साथ में। एटीट्यूड स्कोर लगभग 4,90,000 का, जो कि मैं कहूंगा कि हाँ एक फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस आपको दे पाएगा, जहां पर इसकी दोस्तों टेस्टिंग है ना भरपूर चल रही है। आपको गेमिंग टेस्टिंग, आप COD, फ्री फायर या फिर बात करता हूं फौजी वगैरह की, आप कितने अच्छे से खेल पाएंगे, आपको वीडियो मेरी तरफ से मिल जाएगी। बाकी हाँ, 860 दोस्तों काफी अच्छा प्रोसेसर है, जहां तक मैंने फिर अभी मेरी जो गिव अवे रिजल्ट वाली जो वीडियो थी ना, वो वाली और अंडर 10,000 वाली मोबाइल वाली वीडियो, वो मैंने इसी से एडिट की थी, एक्सट्रैक्ट की थी, मुझे दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई। अलग से मेंशन कर रहा हूं कि ये स्मार्टफोन आपको 5G नहीं मिलता है, आपको 4G के अंदर मिलता है। अच्छी बात है कि हाँ फिलहाल आपको इंडिया के अंदर 5G कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है, तो हाँ फिलहाल जो 4G फोन है दोस्तों ऑन एन एवरेज अच्छे हैं। यहां पर आपसे बात करता हूं ना मैं कैमरा की, तो दोस्तों यहां पर कैमरा के अंदर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि डाउनग्रेड है, क्योंकि हमें 64 मेगापिक्सल्स तो मिलता आया है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और वही 2-2 मेगापिक्सल्स के मैक्रो और डेप्थ के लिए, और सेल्फी कैमरा पंच होल के अंदर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल्स का। दोस्तों कैमरा काफी अच्छा है, आपको काफी शार्प फोटो निकाल के देता है, जहां पर मैं कुछ कैमरा सैंपल्स यहां पे शेयर कर रहा हूं। आप देखिए, मतलब इवन मैं कहूंगा कि नाइट
नाइट मोड में, डे लाइट में, कम लाइट में, सभी मतलब सभी चीजों के अंदर आपको जो फोटोज है ना वो ऑन एन एवरेज काफी अच्छी मिलती है। सेल्फी के अंदर मुझे कहीं ना कहीं हल्की बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिली, लेकिन हाँ जो कलर एनहेंसमेंट है उन्हें ये काफी अच्छे से यहाँ पर कर पा रहा है। तो हाँ जो कैमरा क्वालिटीज है दोस्तों देखते हुए, प्राइस सेगमेंट को देखते हुए और जो कैमरा सेंसर है उन्हें देखते हुए काफी अच्छी है, लेकिन हाँ पहले से दोस्तों यहाँ पर हल्का सा डाउनग्रेड है। मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में कहा था ना कि ये फोन थोड़ा सा भारी है, तो उसे देखते हुए मुझे लगा था कि बैटरी इसके अंदर थोड़ी ज्यादा होगी, 6000-7000 एमएच की शायद कॉम्पीट कर रहा हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बैटरी ऑन एन एवरेज मिलती है 5160 एमएच की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग मिलती है, जो कि मैं कहूँगा कि ऑन एन एवरेज है, कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आपको दोस्तों ठीक ठाक क्वालिटी मिलेगी, जहाँ पर फोन आपका लगभग लेगा 1.5 से 2.5 घंटे पूरा चार्ज होने में। बाकी हाँ जहाँ तक इसे मैंने यूज़ किया है, मैंने इसको 1.5 दिन में 2 बार फुल्ली चार्ज किया है, लेकिन हाँ दोस्तों मेरा थोड़ा यूज़ यहाँ पर हैवी रहता है। बाकी हाँ ऑन एन एवरेज ठीक है, लेकिन अगर बैटरी कम है लेकिन फिर भी वेट ज़्यादा है, ये बात यहाँ पर थोड़ी सी जिगजैग फीलिंग यहाँ पर देती है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर प्राइस सेगमेंट की, तो प्राइस सेगमेंट दोस्तों इंडिया के अंदर काफ़ी अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जहाँ पर आपको 6128 मिलता है 19,000 रुपये के अंदर और 8128 मिलता है 21,000 रुपये के अंदर। एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर और इन्हीं फीचर्स के साथ में बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है मार्केट में। पोको X3 Pro मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉम्पीट करने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की इसी पोको X3 Pro के बारे में। बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा तो हाँ ऑन एन एवरेज अच्छी है, जहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलता है, लेकिन हाँ फोन दोस्तों थोड़ा सा भारी है, बड़ा है, मोटा है, इसे अगर हम थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट कर पाते ना तो और यहाँ पर अच्छी बात हो जाती। बड़े हाथों के लिए फोन सही रहेगा, छोटे हाथों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड यहाँ पे हो सकता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो साइज काफी अच्छा है, डिस्प्ले के फीचर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन एमोलेड और सुपर एमोलेड हमें नहीं मिला। ये दोस्तों यहाँ पर एक मैं कहूँगा डाउनग्रेड है, एक कमी है, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट में आपको मार्केट के अंदर काफी स्मार्टफोन है जो आपको एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसर परफॉर्मेंस फिलहाल मैंने जितना यूज किया दोस्तों, नो डाउट एक काफी फ्लैगशिप लेवल की आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलती है। एटीट्यूड स्कोर अराउंड 4,90,000 का आता है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है, लेकिन 4G है। अगर हम बात करें कैमरा की तो कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो हाँ ये डाउनग्रेड है, लेकिन फोटोज जितना इसके अंदर है उसके हिसाब से दोस्तों फोटो काफी अच्छी देता है, वीडियोज काफी अच्छे हैं, सैंपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। बैटरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, अगर वेट ज्यादा है तो बैटरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, मतलब यही चीज समझ नहीं आया ना कि बैटरी कम है, बैटरी कम नहीं है, ऑन एन एवरेज है, लेकिन जो वेट है ना वो ऑन एन एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा हूँ 1.5 दिन से और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको ये स्मार्टफोन फर्स्ट इंप्रेशन इन हैंड फील कैसा लगा, आपको ये स्मार्टफोन क्या लगता है कि मार्केट के अंदर कितना ज्यादा आग लगा पाएगा, कितना ज्यादा यहाँ पर कॉम्पीट कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों में इतना ही, सारी बातें दोस्तों मिला के ना कमेंट कीजिए इसी पोको X3 Pro के बारे में। कैमरा शॉट्स एंड परफॉर्मेंस का जो वीडियो है दोस्तों आपको बहुत जल्दी मेरे साथ में देखने को मिल जाएंगे, स्टे ट्यून। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।